Hello everyone, I am Professor N. P. Sati welcomes you all in the 36th lecture of electrical measurement subject. So my dear students, we have discussed about the Maxwell's bridge and the Skerring bridge in the last lecture. Then we have solved some examples on these two bridges, right? So we know that Maxwell's bridge is used to measure the unknown inductance. And Skerring bridge is used to measure the value of unknown capacitance, right? So these two bridges we have discussed in the last lecture. Now in today's lecture, we are going to discuss about the multimeter, right? So there are two types of the multimeter, analog and digital multimeter. So first of all, we'll see the comparison between these two. तो यहाँ पे दो कंपैरिजन दिखाया गया है, ठीक है। ये एनालॉग मल्टीमीटर है और ये आपका डिजिटल मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर आपने देखा ही होगा लैब में, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये डिजिटल टाइप के मल्टीमीटर्स है आपके, ठीक है। ये दोनों डिजिटल टाइप के मल्टीमीटर्स है और ये आपके एनालॉग टाइप के मल्टीमीटर्स है। तो ये मल्टीमीटर क्यों यूज करते हैं अपन? अगर आपका आपको वोल्टेज, करंट, एसी का, डीसी का, दोनों का मेजर करना है, या फिर टेम्परेचर मेजर करना है, या कंटिन्यूटी टेस्ट लेनी है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस एक ही मीटर में अवेलेबल होते हैं, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया है मल्टी मीटर। मल्टी मीन्स मेनी फंक्शंस, ठीक। मेनी फंक्शंस एक ही मीटर में होते हैं, तो उसकी वजह से इसको नाम दिया है मल्टी मीटर। अब तक हमने एमीटर देखा, ठीक है, वोल्ट मीटर देखा। एमीटर हम सिर्फ करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वोल्ट मीटर हम वोल्टेज मेजर करने के लिए मेजर करते हैं, यूज करते हैं, राइट। देन हमने वैट मीटर देखा, वैट मीटर हम पावर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और हमने एनर्जी मीटर देखा, जो हम एनर्जी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन मल्टीमीटर एक ऐसा मीटर है जो मल्टी फंक्शनल है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक ही मीटर में सारे फंक्शंस होते हैं, यानी सपोज आपको करंट मेजर करना है एसी का, डीसी का, या फिर वोल्टेज मेजर करना है एसी का, डीसी का, टेम्परेचर मेजर करना है, या फिर कंटिन्यूटी टेस्ट लेनी है। तो ये सारे फंक्शंस आप एक ही मीटर पे परफॉर्म कर सकते हो, उसकी वजह से इसको नाम दिया है मल्टीमीटर। तो पहले तो हम दोनों का कंपेरिजन देख लेते हैं। सो एनालॉग एंड डिजिटल मल्टीमीटर। तो अभी मैंने आपको ये फोटोग्राफ्स दिखाए, ये डिजिटल मल्टीमीटर है और ये आपके एनालॉग मल्टीमीटर से। तो इस पे डिजिटल डिस्प्ले होता है, ठीक है, और इस पे आपका एनालॉग डिस्प्ले होता है। यानी एनालॉग यानी वहां पे एक पॉइंटर रहेगा और नीचे आपकी स्केल रहेगी, तो वो एनालॉग टाइप का डिस्प्ले है। और ये डिजिटल है, डिजिटल डिस्प्ले यानी यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज किया होता है। सो कंपेरिजन में क्या क्या पॉइंट्स है देखो। फर्स्ट पॉइंट है, पावर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनालॉग मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटरला पावर सप्लाई ची आवश्यकता नहीं है, डिजिटल मीटरला पावर सप्लायची गरज असते, कारण त्याला चार्ज करण्यासाठी मीटरला आपल्याला सप्लाय द्यायला लागतो। त्यामुळे डिजिटल मल्टीमीटरला पावर सप्लाय लागतो, अनालॉगला पावर सप्लायची गरज नसते। दुसरा डिफरन्स आहे लेस सफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक नॉइज। अनालॉग मल्टीमीटर जो होते हैं वो लेस सफर होते हैं आपके इलेक्ट्रिक नॉइज से, और डिजिटल मल्टीमीटर सफर्ड होते हैं आपके इलेक्ट्रिक नॉइज। थोड़ा भी नॉइज आ गया तो आपके रीडिंग में वहां पे डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, डिजिटल मल्टीमीटर में। थर्ड डिफरेंस है, इट प्रोवाइड्स मेजरमेंट इन एनालॉग फॉर्म विद अ मेटल पॉइंटर। इट प्रोवाइड्स अ मेजरमेंट इन एनालॉग फॉर्म। हमें यहाँ पे मेजरमेंट अपने को एनालॉग फॉर्म में मिलता है, जहाँ पे एक आपका मेटल पॉइंटर रहेगा। यहाँ पे इट प्रोवाइड्स मेजरमेंट इन डिजिटल फॉर्म। यहाँ पे हमें जो मेजरमेंट मिलता है वो डिजिटल फॉर्म में मिलता है, यानी यूजिंग डिजिट्स एज पर रिजोल्यूशन नीडेड। जैसा हम अपने को रिजोल्यूशन की नीड रहेगी, वैसे आपको यहाँ पे डिजिट्स के फॉर्म में हमें मेजरमेंट मिलेगा। फोर्थ कंपैरिजन का पॉइंट है, इट यूजेस सिंपल डिस्प्ले विथ मार्किंग्स फॉर वेरियस रेंजेस एज पर रजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट। इट यूज सिंपल डिस्प्ले, इसमें एक सिंपल डिस्प्ले होता है और उस पर मार्किंग्स होते हैं वेरियस रेंजेस के लिए, जैसे रेजिस्टेंस की रेंज है, या फिर वोल्टेज की है, या फिर करंट मेजरमेंट के रेंजेस है, तो उसपे सिंपल डिस्प्ले होते हैं मार्किंग्स के लिए, वेरियस रेंजेस जो है आपके रेजिस्टेंस, वोल्टेज या करंट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो उसपे सिंपली सिंपल डिस्प्ले होते हैं मार्किंग्स के थ्रू, ठीक है।
यहाँ पे इट यूजेस एलसीडी डिस्प्ले, इसमें आपका एलसीडी डिस्प्ले होता है, ठीक है। सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, दैट इज एनालॉग, एडीसी का मतलब है आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। इट रिक्वायर्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड क्वांटिटी टू बी डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म, क्योंकि हमें क्वांटिटी डिस्प्ले करनी है डिजिटल फॉर्म में, तो यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की जरूरत होती है डिजिटल मल्टीमीटर में, इसमें जरूरत नहीं होती है। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज लोअर, यहाँ पे जो एक्यूरेसी रहेगी आपकी एनालॉग मल्टीमीटर की वो लोअर रहेगी, और यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर में एक्यूरेसी आपकी हाइयर रहेगी। देन द इनपुट रेजिस्टेंस वैरी एज पर रेंज टू बी मेजर्ड, इनपुट रेजिस्टेंस आपका वैरी होगा जैसे आपकी मेजर्ड एज पर रेंज, जैसे रेंज के हिसाब से आपका इनपुट रेजिस्टेंस वैरी होगा, ठीक है, जो हमें मेजर करना है। इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा सारे रेंजेस के लिए, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस वैल्यू इथ रेंज अनुसार वैरी होते हैं, जे आपल्याला मेजर करायचं इनपुट रेजिस्टन्स याची, आणि इथं इनपुट रेजिस्टन्स सगळ्या रेंजेससाठी कॉन्स्टंट असणार आहे। याचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे अनालॉग मल्टीमीटरचं सिम्पल आणि रज्ड कन्स्ट्रक्शन आहे, डिजिटल मल्टीमीटरचं कन्स्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड आणि थोडंसं डेलिकेट आहे। देन याची जी साईज आहे अनालॉग मल्टीमीटरची ती बिगर आहे, आणि याची जी स्मॉलर डिजिटल मल्टीमीटरची जी साईज आहे ती कॉम्पॅक्ट आहे किंवा स्मॉलर आहे, ठीक आहे। नंतर हे अनालॉग मल्टीमीटर इकॉनॉमिकल असतं आणि डिजिटल मल्टीमीटर थोडस एक्सपेन्सिव्ह असतं। सो दीज आर द डिफरन्सेस बिटवीन अनालॉग एंड डिजिटल मल्टीमीटर। आपके मेन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कंपेरिजन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल मल्टीमीटर, तो ये कंपेरिजन लिखो, या फिर आपको यहाँ पे एक दूसरा कंपेरिजन मैंने दिखाया है ये लिखो, ठीक है। जो इजी लगे पॉइंट्स वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसकी एक्यूरेसी जो है एनालॉग मल्टीमीटर की, सो प्रोन टू एरर बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉइंटर बेस्ड रीडिंग, रॉन्ग पॉइंटर बेस्ड रीडिंग की वजह से यहाँ पे एरर हो सकता है एनालॉग मल्टीमीटर में। ईयर डिजिटल में मेजर्स विद ग्रेट एक्यूरेसी, यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा है। रीडिंग प्रोवाइड्स रीडिंग ऑन स्केल अगेंस्ट पॉइंटर, यहाँ पे रीडिंग प्रोवाइड की जाती है स्केल के ऊपर पॉइंटर के अगेंस्ट, और यहाँ पे प्रोवाइड्स रीडिंग इन अ न्यूमरिक फॉर्म अपीयर्ड ऑन अ एलसीडी डिस्प्ले, यहाँ पे एलसीडी डिस्प्ले पे अपने को न्यूमरिक फॉर्म में वैल्यू वहाँ पे रीड करनी आती है। कैलिब्रेशन, एनालॉग का कैलिब्रेशन मैन्युअली कर सकते हैं अपन, डिजिटल का दे आर कैलिब्रेटेड ऑटोमेटिकली बिफोर टेकिंग एनी मेजरमेंट, कौन से भी मेजरमेंट लेने से पहले हम इसको कैलिब्रेट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं डिजिटल मल्टीमीटर को, और इसका मैन्युअली करना पड़ता है अपने को कैलिब्रेशन। देन कॉस्ट, लेस कॉस्टली है एज दे ऑफर वेरी फ्यू फीचर्स इसमें एनालॉग में, यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर में एक्सपेंसिव है एज ऑफर वाइड रेंज ऑफ द फीचर्स, इसकी रेंज हैव अ सेट हैव टू सेट अ रेंज ऑफ मेजरमेंट मैन्युअली, यहाँ पे जो मेजरमेंट लेना है हमें जो सेट ले हैव टू सेट अ रेंज ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे एक रेंज जो है मेजरमेंट की वो मैन्युअली हमें सेट करनी पड़ती है। हियर मोस्टली दे हैव ऑटो रेंजिंग फीचर, इसमें ऑटो रेंजिंग फीचर होता है डिजिटल मल्टीमीटर में, कॉस्ट बट कॉस्टलियर देन देयर काउंटर पार्ट्स, लेकिन उसके काउंटर पार्ट से वो कॉस्टलियर होता है, ठीक है। देन मेजरिंग पैरामीटर्स, यूजुअली इट मेजर्स करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस एनालॉग मल्टीमीटर में, हियर मेजर करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस एज वेल, यहाँ पे ये सारे क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं अपन, यहाँ पे तीन ही कर सकते हैं करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। देन एडीसी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे डज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, ऑलरेडी मैंने ऊपर के कंपैरिजन में वही पॉइंट बोला था। एसी फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट एसी फ्रीक्वेंसी विच कैन बी मेजर्ड इज लोअर, इसकी जो हाईएस्ट एसी फ्रीक्वेंसी है जो मेजर्ड करनी है वो लोअर होती है, और इसकी जो हाईएस्ट एसी फ्रीक्वेंसी है विच कैन बी मेजर्ड इज हाइयर देन इट्स काउंटर पर। देन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इसका इजी है एंड सिंपल है, इसका कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है बिकॉज ऑफ सेवरल इलेक्ट्रॉनिक एंड लॉजिक कंपोनेंट इन्वॉल्वमेंट्स है। पावर सप्लाई, इसको जरूरत नहीं है एनालॉग को, इसको जरूरत होती है। देन साइज, बिगर इन साइज होता है एनालॉग मल्टीमीटर, इसमें वेरी स्मॉल लाइक हैंड हेल्ड डिवाइसेस जैसे होता है ये डिजिटल मल्टीमीटर। नॉइज, सफर फ्रॉम इलेक्ट्रिक नॉइज, इसमें नॉइज आता है, यहाँ पे सफर फ्रॉम मोर फ्रॉम इलेक्ट्रिक नॉइज,
यहाँ पे लेस सफर होता है ये इलेक्ट्रिक नॉइज से, और यहाँ पे सफर ज्यादा होता है डिजिटल मल्टीमीटर में नॉइज से। एन इनपुट सिग्नल डिस्प्ले ओनली ऑन इनपुट सिग्नल वैल्यू, यहाँ पे डिस्प्ले जो होता है वो इनपुट सिग्नल वैल्यू के लिए ही होता है, वन इनपुट सिग्नल वैल्यू के लिए होता है। एंड इट इज एबल टू एक्सेप्ट मल्टीपल यूनिट्स, यहाँ पे मल्टीपल यूनिट्स वो एक्सेप्ट कर सकता है। एंड हैज एडजस्टेबल डिस्प्ले, इस पे एडजस्टेबल डिस्प्ले होता है विच अलाउ यूजर टू चूज बिटवीन द इनपुट सिग्नल, वो यूजर को अलाउ करता है इनपुट सिग्नल्स को चूज करने के लिए। ठीक है, तो एज ए कंपेरिजन के पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जो इजी लगे आपको पॉइंट्स वो आप एग्जाम में लिखो। ठीक है, तो ये आपको फोटोग्राफ भी दिखाया मैंने, ये डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर है आपका ऊपर के दो, और ये नीचे के दो है आपके एनालॉग टाइप के मल्टीमीटर्स। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दी ओहम मीटर। ओहम मीटर क्या होता है देखेंगे। ओहम मीटर यानी इसमें उसके नाम में ही आपको समझ में आया होगा, ओहम मीटर। ओहम किसका सिंबल होता है आपका रेजिस्टेंस का, तो इसके इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं अपन, ओहम मीटर। ठीक है, सो दी ओहम मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ दी ओहम मीटर्स अवेलेबल सच एज सीरीज ओहम मीटर, शंट ओहम मीटर एंड मल्टी रेंज ओहम मीटर। यहाँ पे बहुत सारे ओहम मीटर्स के टाइप्स होते हैं, उसमें ये तीन टाइप्स है, सीरीज ओहम मीटर, शंट ओहम मीटर एंड मल्टी रेंज ओहम मीटर। ठीक है, ये तीन टाइप्स महत्वाचे आहेत आपल्याला, सीरीज ओहम मीटर, शंट ओहम मीटर आणि मल्टी रेंज ओहम मीटर। इथे एक डायग्राम दिसते तुम्हाला, याच्यामध्ये एक बॅटरी सोर्स कनेक्ट केलेला आपण। ठीक है, हे ओहम मीटरचं सिम्बॉल आहे, इथं ओहमचा सिम्बॉल दाखवलेला आहे, हा रजिस्टन्स आहे आपला, व्हेरिएबल रजिस्टन्स दाखवला आहे इथं, ए आणि बी टर्मिनल्स आहेत, आणि या ए आणि बी टर्मिनल्स मध्ये आपण हा एक रेजिस्टन्स अननोन रेजिस्टन्स इथं कनेक्ट केलेला आहे, ज्याची व्हॅल्यू आहे आर एक्स। ठीक आहे, नाउ द इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड विथ अ बॅटरी। इसमें क्या दिया है देखो, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, अ सीरीज एडजस्टेबल रजिस्टर, इसमें एक सीरीज एडजस्टेबल रजिस्टर है आपका आर ए, देन एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द रीडिंग, एंड जो जो इंस्ट्रूमेंट हमें रीडिंग देने वाला है वो भी हम यहाँ पे कनेक्ट किया है, यानी ओहम मीटर है। ठीक है, द रेजिस्टेंस टू बी मेजर इज कनेक्टेड एट टर्मिनल ए बी, जो रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है वो टर्मिनल ए बी में कनेक्ट किया है, यानी इसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है आर एक्स की वैल्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सर्किट डायग्राम मध्ये काय काय समझ लो, कि इंस्ट्रूमेंट अपन कनेक्ट केलेलं आहे बॅटरीला। ठीक है, हे इंस्ट्रूमेंट अपन एका बॅटरीला कनेक्ट केलेलं आहे, नंतर एक सीरीज ऍडजस्टेबल रजिस्टर आहे त्यामध्ये, हा सीरीज रजिस्टर ऍडजस्टेबल सीरीज ऍडजस्टेबल रजिस्टर आहे, नंतर एक इंस्ट्रूमेंट आहे ज्याची रीडिंग आप विच गिव्स दी रीडिंग, आपल्याला जे रीडिंग देणार आहे ते इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड आहे आपलं, म्हणजेच ओहम मीटर कनेक्टेड आहे सर्किटमध्ये, आणि ज्या रजिस्टरची व्हॅल्यू मेजर करायची आपल्याला तो आपण कनेक्ट केलाय टर्मिनल्स ए आणि बी मध्ये, तो रजिस्टन्स आपण कनेक्ट केलाय टर्मिनल्स ए आणि बी मध्ये। क्लिअर आहे, सो व्हेन द सर्किट इज कम्प्लीटेड बाय कनेक्टिंग आउटपुट रेजिस्टन्स द सर्किट करंट फ्लोज, जेव्हा आपण ते सर्किट कम्प्लीट होणार आहे, व्हेन द सर्किट इज कम्प्लीटेड बाय कनेक्टिंग आउटपुट रेजिस्टन्स, आपण आउटपुट रेजिस्टन्स कनेक्ट केल्यानंतर जेव्हा ते सर्किट कम्प्लीट होणार आहे तेव्हा त्या सर्किट मधून काय होईल आपला करंट फ्लो होईल। ठीक आहे, म्हणजे हा रेजिस्टन्स आपण इथं या टर्मिनलला कनेक्ट केला की आपलं सर्किट काय होईल कम्प्लीट होईल, आणि त्यामुळे त्या सर्किट मधून काय होईल आपला करंट फ्लो होईल। सो डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड, और तब हम वहां पे डिफ्लेक्शन मेजर कर सकते हैं। सो व्हेन द रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड इज वेरी हाई, जब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मेजर करनी है अगर उसकी वैल्यू हाई है बहुत, देन करंट इन द सर्किट विल बी वेरी स्मॉल, तब आपके सर्किट में का करंट बहुत ही स्मॉल रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है और ओहम्स लॉ के हिसाब से हमें मालूम है अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट की वैल्यू स्मॉल रहेगी, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी। ठीक है, एंड द रीडिंग ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज अज्यूम्ड टू बी मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड, हम जो रीडिंग है वो इंस्ट्रूमेंट की वो अज्यूम करेंगे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वहां का जो हमें मेजर करना है। ठीक है,
नाउ सीरीज टाइप ओहममीटर, उसमें फर्स्ट टाइप हम देखेंगे सीरीज टाइप का ओहममीटर क्या होता है. सो द सीरीज टाइप ओहममीटर कंसिस्ट ऑफ करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस रजिस्टर आर वन. इसमें एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर आर वन है, देन जीरो एडजस्टिंग रजिस्टर आर टू है, एंड ई एम एफ सोर्स ई है, देन इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ डी अर्सोनल्स मूवमेंट आर एम है, एंड द रजिस्टेंस टू बी मेजर्ड आर एम. सीरीज ओहम मीटर में क्या क्या है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर है आर वन, यहाँ पे देखो ये करंट लिमिटिंग रजिस्टेंस है आपका आर वन, देन जीरो एडजस्टिंग रजिस्टर आर टू है, ये आपका जीरो एडजस्टिंग रजिस्टेंस आर टू है, देन ई एम एफ सोर्स है आपका ई, ये है आपका ई एम एफ सोर्स ई, देन इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ डी आर्सोनल्स मूवमेंट, इंटरनल रजिस्टेंस जो है डी आर्सोनल्स मूवमेंट का वो है आपका आर एम, ये है आपका आर एम. देन नेक्स्ट द रजिस्टेंस टू बी मेजर्ड आर, यहाँ पे जो रजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करनी है वो यहाँ पे कनेक्टेड है आपका, ठीक है. तो ये है आपका बेसिक सीरीज टाइप का ओहममीटर, ठीक है, इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं. नाउ व्हेन देयर इज नो रजिस्टेंस टू बी मेजर्ड, अगर वहां पे कोई भी रजिस्टेंस जो मेजर करना है वो नहीं है सर्किट में, देन द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट विल बी मैक्सिमम, तब जो करंट ड्रॉ करेगा ये सर्किट वो करंट आपका मैक्सिमम होगा, एंड द मीटर विल शो अ डिफ्लेक्शन, और तब मीटर आपका क्या करेगा वहां पे डिफ्लेक्शन शो करेगा. सो बाय एडजस्टिंग आर टू द मीटर इज एडजस्टेड टू अ फुल स्केल करंट वैल्यू, आर टू ची वैल्यू एडजस्ट करून आपण तिथलं मीटर हे ऍडजस्ट करतो त्याच्या फुल स्केल करंट व्हॅल्यूला, आर टू ची व्हॅल्यू ऍडजस्ट करून आपण तिथलं मीटर ऍडजस्ट करतो त्याच्या फुल स्केल करंट व्हॅल्यूला, सिन्स द रजिस्टन्स विल बी झिरो ऍट दॅट टाइम, कारण तिथल्या रजिस्टन्सची व्हॅल्यू काय असणार आहे, झिरो असणार आहे त्यावेळेस, ठीक आहे. नाव द कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंटर इंडिकेशन इज मार्क्ड ॲज झिरो, कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंटर इंडिकेशन क्या मार्क करेगा वहां पे, झिरो मार्क करेगा. एंड अगेन वेन द टर्मिनल ए बी, यहाँ पे जो दो टर्मिनल दिए हैं ए एंड बी इज ओपन, अगेन वेन द टर्मिनल ए बी इज ओपन इट प्रोवाइड वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये ओपन रहने की वजह से वो ऑफर करेंगे वहां पे हाई रेजिस्टेंस को, एंड हेंस ऑलमोस्ट जीरो करंट, और इसमें से जीरो करंट वहां पे ऑफर करेंगे वो, जीरो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, वो सर्किट में से आपका जीरो करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है, समझ ला आप पॉइंट, समझ ला. एक कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंटर इंडिकेशन जे मार्क करते ती वैल्यू किती मार्क करते, जीरो, आणि अगेन जेव्हा टर्मिनल ए बी हे ओपन असतं त्यावेळेस ते त्याची हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्सची प्रोव्हाइड करतं, आणि त्यामुळं ऑलमोस्ट झिरो करंट तिथून फ्लो होत असतो सर्किट मधून, ठीक आहे. And in that case, the pointer deflection is zero. त्या केसमध्ये पॉइंटरचं डिफ्लेक्शन किती असणार आहे आपलं, झिरो असणार आहे, विच इज मार्क्ड ॲट अ व्हेरी हाय व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स मेजरमेंट, आणि ते मार्क केलेलं असतं इथल्या हाय व्हॅल्यू जी आहे रेजिस्टन्स मेजरमेंटची त्याला ते तिथं मार्क केलेलं असतं. सो रेजिस्टन्स बिटवीन झिरो टू अ व्हेरी हाय व्हॅल्यू इज मार्क, त्यामध्ये तो रेजिस्टन्स जो आहे आपला झिरो ते त्याची अतिशय हाय व्हॅल्यू पर्यंत ही तिथं मार्क केलेली असते, and hence can be measured, आणि ते आपण easily measure करू शकतो, ठीक आहे. तो ये हो गया आपका सीरीज टाइप का ओहममीटर. नाउ सेकंड टाइप है आपका शंट टाइप मीटर ओहममीटर. तो इसमें क्या दिया है, देखो इन दिस टाइप ऑफ मीटर वी हैव अ बैटरी सोर्स, इसमें भी आपका एक बैटरी सोर्स है, एंड एन एडजस्टेबल रजिस्टर है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोर्स, वो सोर्स की सीरीज में कनेक्टेड है, ये यहाँ पे देखो ये शंट टाइप का ओहम मीटर है. इसमें क्या क्या दिया है आपको, एक बैटरी सोर्स है आपका, ठीक है, ये बैटरी सोर्स है आपका, देन नेक्स्ट एन एडजस्टेबल रजिस्टर है, ये आपका एडजस्टेबल रजिस्टर है जो मीटर के सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है, एडजस्टेबल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोर्स, वो सोर्स के सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है, ये सोर्स है आपका और इसके सीरीज में कनेक्ट किया है एडजस्टेबल रजिस्टर, ठीक है.
समज लो या टाईपच्या मीटरमध्ये एक बॅटरी सोर्स आहे आपल्याकडं, हा बॅटरी सोर्स आहे, नंतर बॅटरी सोर्स, नंतर ॲडजस्टेबल रजिस्टर आहे, हा ॲडजस्टेबल रजिस्टर आहे, आपण तो या बॅटरी सोर्सच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेला आहे. सो वी हॅव कनेक्टेड द मीटर इन पॅरलल टू द रजिस्टन्स विच इज टू बी मेजर्ड. आपण इथं मीटर काय केलंय, पॅरलल मध्ये कनेक्ट केलेला आहे रजिस्टन्सच्या, जो रजिस्टन्स आपल्याला मेजर करायचा. ठीक आहे, हे मीटर आहे आपलं, हे मीटर आपण या रजिस्टन्सच्या पॅरलल मध्ये कनेक्ट केलेला आहे, जो रजिस्टन्स आपल्याला मेजर करायचा आहे त्याच्या पॅरलल मध्ये आपण हे मीटर कनेक्ट केलेलं आहे. ठीक आहे, सो देर इज अ स्विच बाय द यूज ऑफ विच वी कॅन ऑन ऑर ऑफ द सर्किट. तिथं एक स्विच पण कनेक्ट केलेलं आपल्याला दिसतंय, हे स्विचच्या साह्याने आपण तिथलं सर्किट जे आहे त्याला ऑन किंवा ऑफ करू शकतो. देन द स्विच इज ओपन व्हेन इट इज नॉट इन यूज. वहां का स्विच आपका ओपन हो जाएगा जब वो यूज में नहीं रहेगा. एंड व्हेन द रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड इज जीरो, जब आपका रेजिस्टेंस जो हमें मेजर करना है वो अगर जीरो रहेगा, देन द टर्मिनल्स ए एंड एफ आर शॉर्टेड, तब आपके टर्मिनल्स ए एंड एफ शॉर्टेड हो जाएंगे. ठीक है, सो द करंट थ्रू द मीटर विल बी जीरो, तब आपके जो मीटर में करंट फ्लो होगा वो जीरो रहेगा. जब आपके टर्मिनल ए एंड बी शॉर्टेड हो जाएंगे तब आपके मीटर में से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, जीरो. द जीरो पोजिशन ऑफ द मीटर डिनोट्स द रेजिस्टेंस टू बी जीरो. जो जीरो पोजिशन है आपके मीटर की वो क्या डिनोट करती है, कि वहां का रेजिस्टेंस जीरो है आपका. सो व्हेन द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इज वेरी हाई, जब आपका रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया है सर्किट में अगर उसकी वैल्यू हाई है, देन अ स्मॉल करंट विल फ्लो थ्रू द टर्मिनल्स ए एफ, तब आपके टर्मिनल्स ए एफ में से स्मॉल करंट फ्लो हो जाएगा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रहेगी. ठीक है, एंड हेंस फुल स्केल रीडिंग करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मीटर, तब आपके मीटर में से फुल स्केल करंट को अलाउ किया जाएगा फ्लो होने के लिए by adjusting the series resistance connected with the battery. जो series resistance connect किया है battery के battery में, उससे क्या हो जाएगा कि आपके meter में से full scale current को allow किया जाएगा flow होने के लिए. कैसे allow किया जाएगा, तो आपका जो series resistance है जो circuit में battery के इसमें सीरीज में कनेक्टेड है, उसको एडजस्ट करके वहां पे फुल स्केल करंट को अलाउ किया जाएगा फ्लो होने के लिए मीटर में से. ठीक है, सो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मेजर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो उसकी वजह से फुल स्केल डिफ्लेक्शन वो क्या मेजर करेगा, वहां पे हाई रेजिस्टेंस को वहां पे मेजर करेगा. एंड व्हेन द रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड या, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मेजर करनी है वो अगर हमने टर्मिनल A and F में कनेक्ट किया, then the pointer shows a deflection by which we can measure the resistance value. तब वहां पे pointer क्या करेगा, वहां पे deflection show करेगा, so which can measure the resistance value. और वो क्या करेगा, वहां के resistance की value को measure करेगा. तो ये होता है आपका shunt type ohm. shunt type ohm meter क्यों हमने लिया है, क्योंकि meter and जो resistance की value measure करनी है वो parallel में connected है. यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड थे, देखो ये मीटर एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करना है वो आपका सीरीज में कनेक्टेड थे. ठीक है, तो उसकी वजह से ये सीरीज टाइप का ओम मीटर था, ये शंट टाइप का ओम मीटर है, और अभी है आपका मल्टी रेंज का ओम मीटर. तो मल्टी रेंज के ओम मीटर में क्या दिया है, देखो यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हुए दिख रहे हैं आपको, आर इंटू वन, आर इंटू टेन, आर इंटू हंड्रेड, आर इंटू वन के, आर इंटू टेन के, और ये रेंज स्विच है जो आप रेंज चाहते हो रेजिस्टेंस की वो सेलेक्ट कर सकते हो. यहाँ से एडजस्टर है, ये मीटर मूवमेंट है यहाँ पे, फिर ये बैटरी सोर्स कनेक्ट किया है यहाँ पे, तो इसकी वजह से इसको नाम दिया है मल्टी रेंज ओम मीटर. कौन सी भी रेंज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसकी वजह से इसको नाम दिया है मल्टी रेंज ओम मीटर. सो दिस इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स द रीडिंग अप टू अ वेरी वाइड रेंज. ये इंस्ट्रूमेंट आपको प्रोवाइड करता है रीडिंग बहुत ही वाइड रेंज पे. सो इन दिस केस वी हैव टू सेलेक्ट दी रेंज. इस केस में हमें रेंज को सेलेक्ट करना होता है रेंज स्विच से के हिसाब से. रेंज स्विच के हिसाब से हमें वहां की रेंज को सेलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट. एन एडजस्टर इज प्रोवाइडेड सो दैट वी कैन एडजस्ट द इनिशियल रीडिंग टू बी जीरो. यहाँ पे एडजस्टर कनेक्ट किया है ताकि हम वहाँ पे जो इनिशियल रीडिंग होती है उसको जीरो
एडजस्ट कर सकते, कर सके इसके लिए वहां पे एडजस्टर वहां पे कनेक्ट किया है। ठीक है, एडजस्टर कशासाठी कनेक्ट केलं आहे, कारण इनिशियल रीडिंग जी आहे ती आपल्याला ऍडजस्ट करायची झिरोला, त्यामुळे तिथं ऍडजस्टर आपण कनेक्ट केले। देन द रेजिस्टन्स टू बी मेजर्ड इज कनेक्टेड इन पॅरल टू द मीटर, ज्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आपल्याला मेजर करायची ते आपल्याला पॅरल मध्ये कनेक्ट करायचं मीटरच्या। देन द मीटर इज ऍडजस्टेड सो दॅट इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मीटर अशा प्रकारे ऍडजस्ट करायचं आहे की त्यानं काय केलं पाहिजे, तिथं फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो केलं पाहिजे। वेन द टर्मिनल्स इन विच द रेजिस्टन्स कनेक्टेड इज फुल स्केल रेंज थ्रू द रेंज स्विच, आणि जे तिथले टर्मिनल्स आहेत ज्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स आपला कनेक्ट केलेला आहे तो काय असणार आहे, फुल फुल स्केल रेंज थ्रू द रेंज स्विच असणार। ठीक आहे, एंड द टर्मिनल्स इन विच द रेजिस्टन्स कनेक्टेड इज फुल स्केल रेंज थ्रू द रेंज स्विच, क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट यह है, व्हेन द रेजिस्टेंस इज जीरो, जब आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पे जीरो रहेगी या फिर शॉर्ट सर्किट रहेगा, देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द मीटर, आपके करंट मीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, एंड हेंस नो डिफ्लेक्शन, वहां पे आपको डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, जेव्हा रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो असेल किंवा शॉर्ट सर्किट असेल तेव्हा करंट फ्लो होणार नाही मीटर मधून, आणि त्यामुळे तिथलं डिफ्लेक्शन हे जीरो असणार आहे। सो दिस इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ ऑल ओहम मीटर्स, सो as we can get accurate reading in this type of meters, त्यामुळे ही जी थर्ड मेथड आहे ओम मेथड आहे ओम मीटरची, म्हणजेच आपला जो मल्टी रेंजचा ओम मीटर आहे ते मोस्ट सुटेबल मेथड आहे सगळ्या ओम मीटरसाठी, कारण आपल्याला त्याच्यामधून ऍक्युरेट रिडिंग तिथं या मीटरपासून घेता येतात। ठीक आहे, सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी रेंज ओम मीटर, क्लिअर आहे। इसमें कुछ डाउट है आपको ओहम मीटर एंड मल्टीमीटर में? ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस, सो वी विल स्टॉप हियर। ठीक है, यहाँ पे हम रुकेंगे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन, थैंक यू वेरी मच।